फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर ए के सिंह और आज फिर हम अपना उत्तराखंड टेट की तैयारी करेंगे और उत्तराखंड टेट में ईवीएस का सेक्शन देख रहे हैं, यानी क्लास फिफ्थ की हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और सी टेट का भी आपका नोटिफिकेशन आ चुका है दिसंबर का। तो आपको क्या करना है, जो यानी उत्तराखंड टेट की तैयारी कर रहा है तो सी टेट के साथ ही साथ तैयारी करिए और कहीं ना कहीं अपना सी टेट का फॉर्म भरिए। तो आज क्या देखना है हमें, 11 और 12 चैप्टर देखना है। तो 11 और 12 चैप्टर में क्या कर रहे हैं, सुनीता अंतरिक्ष में यानी सुनीता विलियम के बारे में बताया गया इस चैप्टर में। इस चैप्टर में सुनीता विलियम के बारे में बताया गया, तो आपको इस चैप्टर को कहीं ना कहीं ज़्यादा चीज़ों को जो स्टेट एक्ट में कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सुनीता विलियम जो थी वो 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में क्या करेगी, रही हैं, ठीक है। सुनीता विलियम क्या थी, भारतीय मूल की थी पर रहती कहाँ थी, अमेरिका में। पृथ्वी क्या है, नीला ग्रह है और सुनीता विलियम पृथ्वी से कहीं ना कहीं 360 किलोमीटर दूर क्या है, स्पेस स्टेशन में गई थी। अंतरिक्ष में सभी चीज़ें क्या होती है, वायु के एक तरह से आपको देखने के लिए आपने देखा होगा कि वो क्या है, उड़ती रहती है। क्यों, कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण। पृथ्वी पर चीज़ें जो क्या है, नीचे गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती हैं। किसके कारण गिरती हैं, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कौन गया था चांद पर, तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग, क्या थे, उतरे थे और सबसे पहले व्यक्ति थे। और सुनीता विलियम क्या थी, एक ड्राइवर थी, यानी गोताखोर थी, ठीक है, ड्राइवर थी, तो आपको ये पता होना चाहिए। सुनीता विलियम क्या है, हेलीकॉप्टर पायलट भी थी, ये आपको पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपसे क्या है, बिंदु दिए जाएंगे और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सुनीता विलियम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है। फिर आता है 12, यानी कि 12 क्या है, 12 क्या है, ख़त्म हो जाए तो क्या करें। अब मान लीजिए यातायात के बारे में, यातायात के प्रकार आपको पता होना चाहिए, जल मार्ग, थल मार्ग, हवाई मार्ग और रेल मार्ग। अगर संसाधनों की कमी, आपको मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछने लगे सीटेट में, क्या है ऐसा क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि अगर संसाधनों की खत्म हो जाए तो आप क्या करोगे, अपने बच्चों को क्या बताओगे, तो ये आपका क्या है, क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है। फिर आता है नवीनीकरण संसाधन कौन से हैं, नवीनीकरण संसाधन क्या, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। ए नवीनीकरण में कौन सा है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन, आपके ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन कौन कौन से हैं, ठीक है। स्टेट एक्ट में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सी टेट में भी आपसे क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इस चीज़ का एक और चीज़ ध्यान रखना, आपका सी टेट का फॉर्म आ चुका है तो सी टेट का फॉर्म आपको भर लेना है। तैयारी आपकी सेम टू सेम रहेगी, ईवीएस का सेक्शन आपको मैंने ज़्यादातर करा दिया है, वो आपको करना है पूरा को पूरा, ठीक है। और कुछ ही टाइम में आपके क्वेश्चन आंसर भी शुरू हो जाएंगे क्योंकि अक्टूबर में आपका पेपर है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।